नमस्कार, मैं गौतम कुमार आप सभी का विश्वेश्वरैया ITI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिकल में आज हम लोग बात करेंगे भी ग्रुप मेकिंग का। भी ग्रुप मेकिंग हम लोग प्रैक्टिकल में आज उसका ड्राइंग समझेंगे, उसमें क्या टूल्स एक रिक्वायरमेंट्स लगता है वो समझेंगे पहले। उसके बाद हम लोग भी ग्रुप मेकिंग वर्कशॉप में जाकर हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में बनाकर देखेंगे कैसे हम लोग उसमें टूल्स इक्विपमेंट्स को प्रयोग करते हैं और कैसे भी ग्रुप मेकिंग बनता है और बनाते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग भी ग्रुप का ड्राइंग और उसमें क्या साइज का मटेरियल लगेगा ड्राइंग के सर और क्या टूल्स और क्या इक्विपमेंट्स लगेगा उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे वर्कशॉप में और वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले ड्राइंग समझते हैं। तो हम लोग पहले आप भी ग्रुपिंग का ड्राइंग समझते हैं। भी ग्रुपिंग के लिए हमको लोग को रफ साइज मेटल चाहिए। रफ साइज मेटल हमको जो चाहिए वो है 50 × 50 × 6 mm, यानी 50 लेंथ, 50 ब्रेथ और 6 mm का क्या है थिकनेस चाहिए हम लोग को। और फिनिश साइज के लिए हम लोग फिनिश करेंगे उसके लिए हम कितना फिनिश करेंगे 48 × 48 × 5 mm लेंथ ब्रेथ और थिकनेस हम लोग को फिनिश होगा वो होगा 48 × 48 × 5 mm पे। और जो रफ साइज रहेगा 50 × 50 × 6 mm का। तो ये लोग हम जो यहाँ पर आप लोग ड्राइंग देख रहे हैं ये वाला, ये हम लोग का क्या है रफ साइज, ये हम लोग का रफ साइज है। कितना का है यहाँ से यहाँ तक हम लोग का है 50 mm और यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का है 50 mm और यहाँ से यहाँ तक है ये 50 mm। और जिसका थिकनेस जो मोटाई है इसका होगा ये जो थिकनेस होगा इसका ये होगा हम लोग का 6 mm का, ये हम लोग हो जाएगा 6 mm का। इधर जो देख रहे ड्राइंग ये वाला ये फिनिश साइज पर बना हुआ ड्राइंग है। ये हम लोग का कितना पर फिनिश किए थे 48 × 48 mm पर। और थिकनेस इसको हम लोग किए थे कितना पर 5 mm पे। तो चलिए हम लोग इस पर ड्राइंग बनाए थे कैसे उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में समझेंगे क्या क्या इसमें टूल्स और क्या क्या रिक्वायरमेंट हम लोग को चाहिए। सबसे पहले हम लोग को ये वाला देखिए भाग, ये हम लोग को पूरा यहाँ से था, ये पूरा था। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या किए जर्नी कैलिपर की सहायता से और जर्नी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से ये पॉइंट हम लोग 12 mm का एक पॉइंट लगाएं। दूसरा वही साइज का इस साइड से वो लोग यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लगाएं, ये पॉइंट लगा दिए। उसके बाद ये पूरा हम लोग जब देखे कितना था हम लोग का 48 का ये पॉइंट जर्नी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से एक यहाँ से यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाए कितना पर 24 mm पर। जब ये पॉइंट लगा दिए तो हम लोग वही नाप से जर्नी कैलिपर को एक पॉइंट को यहाँ पर फंसाएं और दूसरा जो हम लोग का है इस लाइन को इस तरह से यहाँ पर मार्किंग की इस तरह से ऐसा। जब मार्किंग हो गया फिर हम लोग क्या देखें हम लोग को भी बनाना है तो ये सेंटर में हम लोग को चाहिए। ये कितना हम लोग अब पूरा ये हम लोग का 48 है, 48 है तो हम लोग का सेंटर कितना निकलेगा 48 है पूरा तो हम लोग का सेंटर चाहिए 24 पे। जर्नी कैलिपर से फिर हम लोग यहाँ से यहाँ एक पॉइंट मारे और ये पॉइंट और यहाँ वाला ये दो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट को हम लोग ट्राई स्क्वायर और स्क्राइबर की सहायता से इस पॉइंट को और इस तरह से लाइन को यहाँ से ऐसे मिला दिए, इस तरह से मिला दिए, फिर इस तरह से इधर से ये लाइन को ऐसे मिला दिए। हम लोग सारा चीज़ करके प्रैक्टिकल में देखेंगे, जैसे जैसे अभी बता रहे हैं उसी तरह से हम लोग प्रैक्टिकल में पूरा कर देखेंगे। जब ये लाइन हम लोग मिला दिए इसी लाइन में हम लोग क्या करते हैं पंचिंग कर लेते हैं इस तरह से, जितना हम बता रहे हैं अभी सारा चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल में कर देखेंगे इस तरह से। सब हम लोग जब मार्किंग कर लेंगे सब कुछ का सारा चीज़ कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग फाइलिंग से करके फिनिश करेंगे।
तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग का क्या क्या टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स चाहिएगा। सबसे पहले हम लोग को चाहिए बेंच वाइस। सबसे पहले हम लोग चाहिए बेंच वाइस। बेंच वाइस कैसे चाहिए? तो जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए, ताकि जॉब को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग उस पर कोई संक्रियाएँ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को बेंच वाइस चाहिए। किस लिए? तो जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए। दूसरा हम लोग चाहिए स्टील रूल। स्टील रूल हम लोग चाहिए किस लिए? तो जॉब को मेजरमेंट करने के लिए, जॉब को मेजरिंग करने के लिए। उसके बाद हम लोग चाहिए फिक्स हेक्सो फ्रेम। फिक्स हेक्सो फ्रेम, हेक्सो फ्रेम किस लिए चाहिए हम लोग को? तो जॉब को हेक्सोइंग यानी काटने के लिए। उसके बाद हम लोग को चाहिए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर किस लिए चाहिए? तो चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? तो जॉब का 90 डिग्री एंगल और सरफेस चेक करने के लिए हम लोग चाहिए ट्राई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग का है क्या है? स्क्राइबर। स्क्राइबर किस लिए चाहिए हम लोग को? स्क्राइबर चाहिए कि मार्किंग करने के लिए, जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए, लाइन खींचने के लिए हम लोग चाहिए स्क्राइबर। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए? जेनी क्लिपर। जेनी क्लिपर से हम लोग क्या करेंगे? जेनी क्लिपर से हम लोग पैरेलल लाइन खींचेंगे या जो हम लोग ड्राइंग में देखे थे पॉइंट बनाएंगे, इसलिए हम लोग को चाहिए जेनी क्लिपर। जेनी क्लिपर के साथ चाहे हम लोग का आउटसाइड क्लिपर। आउटसाइड क्लिपर का हम लोग क्या करेंगे? तो जॉब का आउटसाइड, जैसे ये वाला भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग जॉब का आउटसाइड क्लिपर की सहायता से चेक करके फिर स्टील रूल में देखेंगे कि जो हम लोग कितना एमएम का, कितना एमएम है वो जॉब हम लोग का। इसलिए उसके चाहिए फ्लैट मास्टर फाइल, रफ मटेरियल को फाइलिंग करने के लिए। फिर हम लोग चाहिए ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल कैसे चाहिए? ये वाला एंगल जो हम लोग को बन रहा है यहाँ पर भी ग्रुप, इसमें हम लोग ट्रायंगुलर फाइल से फाइलिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग को चाहिए जो हम लोग का है फ्लैट स्मूथ फाइल। फ्लैट स्मूथ फाइल से हम लोग करेंगे लास्ट में जॉब को जब फिनिश करेंगे तो हम लोग को स्मूथ फाइल चाहिए। उसके हम लोग को डॉट पंच, पंचिंग करने के लिए डॉट पंच और बॉल पेन हैमर, पंचिंग करने के लिए पंच के साथ डॉट पंच और बॉल पेन हैमर पंच करने के लिए चाहिए। उसके बाद मार्किंग टेबल और सरफेस प्लेट, ये हम लोग को चाहिए। किस लिए? ये जॉब जब हम लोग वर्कशॉप में बनाएंगे तो इसके लिए हम लोग को सारा टूल्स रिक्वायरमेंट जितना भी हम लोग देखें वो चाहिए। सारा चीज़ हम लोग समझ गए कि क्या क्या हम लोग को टूल्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ड्राइंग हम लोग समझ लिए, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यही जॉब को भी ग्रुप मेकिंग प्रैक्टिस को हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप में जाकर प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से हम लोग सारा वो संक्रियाएँ कर इसमें देखें। संक्रियाएँ हम लोग को क्या क्या करना है? संक्रियाएँ हम लोग करना है होल्डिंग। होल्डिंग मतलब जॉब को पकड़ना। किसे पकड़ेंगे? तो बेंच वाइस में। मेजरिंग, मेजरिंग किसे करेंगे हम लोग? स्टील रूल से। फाइलिंग जो हम लोग करेंगे फाइल से। मार्किंग करेंगे डॉट पंच, वॉल पेन हैमर, जो टूल से जो हम लोग का स्क्राइबर और जेनी क्लिपर। फिर हम लोग पंचिंग करेंगे डॉट पंच और बॉल पेन की सहायता से। फिर हेक्सोइंग करेंगे हेक्सा फ्रेम की सहायता से। फिर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे से ट्राई स्क्वायर से। फिर लास्ट में हम लोग फिनिशिंग करें स्मूथ फाइल से, हम लोग जॉब को फिनिश करेंगे। तो ये सब हम लोग को संक्रियाएँ ऑपरेशन जो है हम लोग करना है, इतना 8 संक्रियाएँ हम लोग को करना है। तो चलिए हम लोग वर्कशॉप में चलकर करते हैं। तो चलिए हम लोग अब भी मेकिंग को ड्राइंग हम लोग जैसे समझ लिए हैं, अब हम लोग भी मेकिंग प्रैक्टिकल के रूप में कर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करने से पहले अपने वर्क प्लेस को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। चलिए हम लोग पहले बेंच वाइस को अच्छी तरह से ब्रश के द्वारा साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से जो बुरादा यहाँ पर होगा उसको हम लोग आराम से नीचे की ओर कर लेंगे। चलिए हम लोग का बेंच वाइस साफ हो गया। जैसे कि हम लोग देखे थे टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स में, सबसे पहले हम लोग देखे थे किसके बारे में जाने थे? बेंच वाइस के बारे में। तो ये हम लोग का रहा बेंच वाइस। बेंच वाइस हम लोग कितना बताए थे? 125 mm। 125 हम लोग बेंच साइज हम लोग लेते हैं जॉब की चौड़ाई से।
जैसे इस तरह से हम लोग मापेंगे यहाँ से यहाँ तक, जो साइज हम लोग को आएगा वही हम लोग हो जाएगा बेंच वाइस का साइज। दूसरा हम लोग टूल्स पढ़े थे, जाने थे उसके स्टील रूल, ये हम लोग का है स्टील रूल। स्टील रूल है डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। उसके बाद हम लोग टूल्स जाने थे हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड के बारे में, ये हम लोग रहा हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड। इससे हम लोग क्या करेंगे, हेक्सोइंग करेंगे, जो आपको काटने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ट्राई स्क्वायर के बारे में, ये हम लोग रहा ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जिसके जॉब को हम लोग 90 डिग्री एंकल और सरफेस चेक करेंगे। इस तरह से सारे टूल्स हम लोग जाने थे। चलिए हम लोग वर्क करके और बारी बारी सारे टूल्स के बारे में जानेंगे और वर्क करेंगे। तो ये हम लोग का रहा मेटल, जो हम लोग का है अभी रफ साइज में। इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ साइज हम लोग का कितना था 50 × 50। भी मेकिंग बनाने के लिए एक मेटल चाहिए। जो मेटल हम लोग पढ़े थे जब हम लोग ड्राइंग समझ रहे थे, उस समय हम जान के जाने थे कि एक रफ साइज का मेटल चाहिए हम लोग कितना 50 × 50 × 6 का। ये हम लोग रहा 50 और ये थिकनेस हम लोग का है 6 mm का। तो हम लोग देखिए, हम लोग ये रफ मेटल रफ है, इसको हम लोग फिनिश कितना हम करेंगे 48 × 5 mm में। चलिए हम लोग इसको फाइलिंग करके 48 × 48 का, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जॉब को बांधते वक्त मजबूती से बांधना है और जॉब का साइज का 3 हिस्सा नीचे और 1 हिस्सा ऊपर रहना चाहिए, ताकि चट चट की जो आवाज़ आएगा वो आवाज़ हम लोग का नहीं आएगा। तो ये हम लोग रहा बास्टेड फाइल रफ यूज के लिए। रफ मेटल जहाँ काटना होगा वहाँ हम लोग करेंगे बास्टेड फाइल का यूज। बास्टेड फाइल का साइज हम लोग टैंक से पॉइंट तक लेते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले बास्टेड फाइल से फाइलिंग करके रफ साइज को फिनिश साइज की ओर ले चलते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बेंच वाइस का 45 डिग्री एंगल के में खड़ा होंगे और स्ट्रेट फाइलिंग करेंगे इस तरह से। ये मेरा स्ट्रेट फाइल। स्ट्रेट फाइल के मतलब क्या होता है कि जो बेंच वाइस का सीध में, बेंच वाइस जैसे जिस हिसाब से हमको लगा हुआ है उस हिसाब से हम लोग चलाएंगे। ये हम लोग बेंच वाइस का सीध में, तो हम लोग एक फेस को फिनिश करके देखें उसको इस तरह से ट्राई स्क्वायर से ट्राई स्क्वायर लगा कर 90 डिग्री एंगल चेक किए, फिर दूसरा फेस को फाइलिंग करके उसके वो भी इस तरह से 90 डिग्री एंगल ट्राई स्क्वायर की सहायता से चेक करते हैं। वो उसी तरह फिर तीसरा फिर चौथा, बारी बारी से हम लोग चारों एंगल को चेक किए। इस तरह से हम लोग जब बारी बारी से फाइलिंग किए चारों एंगल पर और एक सरफेस को और 90 डिग्री ट्राई स्क्वायर की सहायता से जब चेक किए, तो हम लोग यह मालूम हुआ कि मेरा चारों एंगल जो है 90 डिग्री एंगल में परफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग ट्राई स्क्वायर का से इस जॉब को 90 डिग्री एंगल चेक किए। अब इस जॉब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चॉक एंड वाटर की सहायता से लेप करेंगे और लेपिंग करने के बाद मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पंचिंग करेंगे। चलिए हम लोग पहले चॉक एंड वाटर की सहायता से इस पर लैपिंग करते हैं। तो हम लोग देखें लैपिंग कर लिए, लिप हम लोग को सूख गया है, इसके ऊपर हम लोग अब क्या करेंगे, मार्किंग करें। तो मार्किंग कैसे करेंगे, ये जेनी कैलिपर और ये स्टील रूल, जेनी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से मार्किंग करेंगे। तो हम लोग पहले कितना देखे थे 12 mm, इसमें हम लोग ऐसा करके 12 mm पहले माप लेंगे इस तरह से। देखिए 12 mm हम लोग माप लिए और इसमें जॉब के ऊपर एक साइड कहीं पे मार्किंग कर लेंगे पॉइंट को इस तरह से, एक कट लगा दिए उसी साइज उसी माप से, फिर इधर से इस तरह से दूसरा इस तरह से लग गया। अब हम लोग कितना करना था, सेंटर में करना था। सेंटर कितना है, हम लोग कितना है पूरा 48 है, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा हम लोग को 24 हम लोग जाने के लिए पर मैं मापेंगे इस तरह से फिर से।
24 हम लोग ऐसा से माप लिए जॉब के ऊपर, इस तरह से ये यहाँ पर फंसाएंगे इस तरह से, और इस तरह से ये मार के कर देंगे इस तरह से, जैसे मार्किंग हो गया। और फिर हम लोग यही से माप से इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके इधर से मार देंगे, इस तरह से देख रहे हैं सेंटर में मार्किंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर की सहायता से ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग मिला देंगे इस तरह से, ट्राई स्क्वायर की सहायता से ऐसे रखेंगे इस तरह से, ट्राई स्क्वायर और स्क्राइबर की सहायता से ये पॉइंट को इस तरह से, इस तरह से देखें हम लोग क्या कर लिए, मार्किंग कर ली। अब मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए किस लिए पक्का करेंगे, ताकि जब हम लोग कटिंग करेंगे तो ये लाइन हम लोग को मिट जाएगा, जब कूलेंट डालेंगे पानी डालेंगे तो मिट जाएगा, इसीलिए हम लोग लाइन को पक्का करने के लिए इसमें क्या करेंगे, पंचिंग कर लेंगे। पंचिंग किसे करते हैं, डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से। चलिए हम लोग पंचिंग करते हैं, ये हम लोग रहा डॉट पंच और ये हम लोग रहा बॉल पेन हैमर। सबसे पहले हम लोग ये जो पॉइंट सेंटर में मारे थे वहाँ पर एक पॉइंट मारते हैं, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे इस तरह से, और इसे सीधा करके यहाँ पर इसे मार लेंगे। देखिए हम लोग एक पंच यहाँ पर हो गया, इसी तरह से हम लोग इधर इधर और इधर लाइन में पंचिंग कर लेंगे। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे पंचिंग हम कर लिए। अब पंचिंग करने के बाद क्या होगा, करना है हम लोग को हेक्सो फ्रेम की सहायता से बेंच वाइस में जॉब को बांध कर और हेक्सो फ्रेम की सहायता से इसको यहाँ से कट करके हटा देंगे, ये वाला भाग को हम लोग कट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, हम लोग कटिंग करते हैं। सबसे पहले जॉब को हम लोग बांधेंगे, इस तरह से हम लोग जो आपको बांध लिए, जो लाइन पंचिंग किए वो अपने तरफ रखना है, ताकि हम लोग को सही से जब हेक्सोइंग करेंगे तो लाइन दिखना चाहिए। चलिए हम लोग हेक्सो फ्रेम की सहायता से अब हम लोग कटिंग करते हैं। बी ग्रुप कट गया और ये मेटल हम लोग को काट कर इसको हम लोग निकाल दिए, ये वाला हम लोग का फालतू मेटल चल गया, हमने स्ट्रैप निकला है, इसको हम लोग साइड कर देंगे और हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। इसके ऊपर काम करने के लिए, ये ग्रुप बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवलर फाइल का यूज करेंगे और फिर ये रफ मेटल को काटने के लिए यहाँ साइड से वास्टर फाइल का यूज करेंगे। चलिए हम लोग बारी बारी से यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेवलर फाइल एक ग्रुप बनाने के लिए, ये हम लोग का है ट्रेवलर फाइल, ये जो देख ले हम लोग का ट्रेवलर फाइल। ट्रेवलर फाइल जो है तीन एंगल होता है, तीनों एंगल इसका 60 डिग्री एंगल पर होता है, देख रहे होंगे तीन फेस है इसका, तीनों फेस एक दूसरे का 60 डिग्री एंगल पर बना हुआ रहता है। चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इस तरह से हम लोग ट्रेवलर फाइल का यूज करेंगे।
ये सतह को फिनिश करने के लिए हम लोग मास्टर फाइल का यूज कर लेते हैं। हम लोग को ये एंगल है जो फेस है ये वाला, इसको हम लोग बेंच वाइज का सीधे में पैरेलल बांधना है। तो पैरेलल बांधने के लिए हम लोग को ये एंगल 60 डिग्री एंगल में कटा हुआ है, इसको पैरेलल बांधने के लिए हम लोग जॉब को एंगल में बांधेंगे ताकि ये वाला फेस हम लोग को सीधा रहे, तब फाइलिंग करने में हम लोग को सुविधा होगा। इस तरह से हम लोग बांधेंगे इसको। इस तरह से इस फेस का फिर हम लोग ये फेस पर फाइलिंग कर लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रहे, हम लोग जैसे देखे थे जब हम लोग हैक्सोइंग किए थे तो यहाँ पर हम लोग पंचिंग किए थे, तो पंचिंग की हुई लाइन हम लोग को जब हैक्सोइंग करके हटा देंगे जो मेटल को, उसके बाद हम लोग को पंचिंग लाइन दिखना चाहिए ताकि हम लोग को फाइलिंग करने में सुविधा हो। और हम लोग ये पंचिंग लाइन जो है हम लोग हमको गाइड करेगा कि जो ये पंचिंग है इससे एक्स्ट्रा मेटल हम लोग को नहीं काटना है। इसीलिए हमेशा हैक्सोइंग करने के बाद जो मेटल काट घटाएंगे और जो मेटल पर हम लोग काम करेंगे उसमें पंचिंग लाइन है वो हम लोग को देखना चाहिए ताकि फाइलिंग करने में सुविधा हो। नहीं, अगर पंचिंग लाइन नहीं दिखेगा तो जो ड्राइंग हम लोग देखे थे ड्राइंग से ज़्यादा मेटल कट जाएगा, तो फिर हम लोग का जो मेटल जो बना रहे हैं जॉब हम लोग वो गलत हो जाएगा और सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा पंचिंग लाइन दिखना चाहिए। सीधे पंचिंग लाइन जो दिख रहा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग इधर फाइलिंग किए, दूसरा फेस को फाइलिंग कर लेंगे उसी तरह फिर से जॉब को बांधेंगे और दूसरा फाइलिंग करेंगे दूसरा फेस को। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर देखें रफ मेटल हट गया है और अब हम लोग यहाँ पे फिनिश करने के लिए स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करेंगे और जॉब को फिनिश करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा हम लोग का स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल को अब यहाँ पर फाइलिंग करेंगे स्मूथ फाइल से और जॉब को फिनिश करेंगे। तो इस तरह से देखें हम लोग बारी बारी से ट्रेवलर फाइल, मास्टर फाइल और स्मूथ फाइल को यूज करके हम लोग जॉब को फिनिश किए। जैसे आप देख लें कैसे भी ग्रुप यहाँ पर बना है, इसके लिए हम लोग बनाने के लिए ट्रेवलर फाइल का यूज़ किए थे और स्मूथ यहाँ पर किए हैं स्मूथ फाइल से स्मूथ किए। इस तरह से हम लोग आज देखें कि जो भी ग्रुप प्रैक्टिस जो हम लोग कैसे मैकिंग बनाए, तो आप लोग को ये देखें भी ग्रुप आज हम लोग बनाकर देखें। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और लास्ट में बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोग को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए धन्यवाद।